अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अय्यूब, एमएएक्सप्रेस न्यूज ऑफ इंडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम और सच्ची। भारत के कुछ राज्यों में फिर एक बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो षड्यंत्र है उसका भंडाफोड़ हुआ। इनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले, जो पूर्व एक पुलिस अधिकारी है वो भी पकड़ा जाता है, उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। कमजोर हिंदुओं पर अत्याचार किस प्रकार से करना है, क्या करना है, प्रधानमंत्री मोदी तक इन्होंने षड्यंत्र रचा है। तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि आज के जो प्रधानमंत्री है वो रिमोट कंट्रोल पर चलने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। आज के जो प्रधानमंत्री है, जो भारत देश पर बुरी आग डालता है, आग डालने वाले को घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज भारत देश में रहकर भारत देश से तुम लोग गद्दारी करते हो, तो तुम्हें कहना चाहूंगा कि इस्लामिक राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, हमारा भारत देश बहुत ही जल्द अखंड हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और इसको कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। तुम लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हो, तो तुम्हारे जो पूर्वज थे ना, जो मुगल थे, वही समय पर एक हिंदू खड़ा होता है, मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देता है और भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना करता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हिंदुओं को कमजोर मत समझो, क्योंकि आज हम संविधान पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, इसलिए आज का हिंदू शांत है, क्योंकि जो भी होगा लीगल इन पे कार्रवाई होगी, ये सोचकर आज हिंदू खामोश बैठा है। अगर तुम्हारी जैसी सोच अगर हिंदू रखेगा ना, तो ना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बचेगा, ना उसका एक कार्यकर्ता बचेगा, सबको हम खोद के जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। वो शक्ति आज के हिंदू में है। अरे क्या ईडी की तुम्हारे ऊपर रेड गिरी, तुम पाकिस्तानी समर्थक, तुर्किस्तानी समर्थक, भारत देश का खाकर भारत देश से गद्दारी करने वाले, अरे तुम्हारे एक बाप थोड़े, तुम्हारे तो कईयों बाप है। एक बाप के नहीं है, क्योंकि एक बाप का व्यक्ति कभी भारत देश से गद्दारी नहीं करेगा। करते हैं कि हमारा चैनल आपको पसंद आए और हम इसी तरह से आपके लिए अहम और सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।